फ्रेंड्स, हिमांशु मोटर आइडिया चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं बिल्कुल यूनिक स्कूटी, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल स्काई ब्लू कलर के अंदर आपके सामने है। बात करें कलर्स की तो कलर इसके अंदर अपने को लगभग सारे मिल जाते हैं, व्हाइट, ब्लैक, रेड और भी काफी कलर इस कंपनी ने दिए हुए हैं। बात करेंगे कौन सी कंपनी की रहने वाली है, तो ये मिलती है अपने को हीरो की प्लेजर प्लस एक्सट्रैक। तो इसके अंदर अपने को क्या कुछ नया दिया गया है कंपनी के द्वारा, एक्सट्रैक के अंदर क्या नई चीज कंपनी ने दी है, उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। उसी के साथ साथ जो इसके बेसिक अपने को फीचर वगैरह मिलते हैं, वो अपने को क्या कुछ मिल जाता है, तो वो भी आपको कंप्लीट बताएंगे। उसी के साथ साथ एक जो इस गाड़ी को बिल्कुल यूनिक बनाता है वो है इसके अंदर अपने को क्रोम पार्ट। तो काफी ज्यादा क्रोम का यूज करते हुए इस गाड़ी को बनाया गया है। तो पहले ओवरऑल डिजाइन की बात कर लेते हैं, तो मैं एक बार आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ इसका लुक कुछ इस प्रकार की अपने को देखने में लगती है, और एक बार साइड लुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो साइड लुक की अपनी बात करें तो कुछ इस प्रकार की अपने को देखने में लगती है। ये वाला कलर स्पेशली काफी अट्रैक्टिव कलर रहने वाला है। तो बात करेंगे सबसे पहले इसके फ्रंट से, तो फ्रंट के अंदर अपने को यहाँ पर फुल्ली क्रोम मिल जाता है। उसी के साथ साथ ड्यूअल अपने को प्रोजेक्टर लैंप के साथ में हेडलाइट मिल जाती है, वो भी मैं आपको एक बार चला के दिखाऊंगा। क्रोम के अंदर मिलते हैं पूरे के पूरे, काफी अच्छे देखने में लग रहे हैं स्कूटर के हिसाब से। बाकी ये वाला पार्ट दिया गया है, उसी के साथ साथ ये अपने को मिल जाता है। बात करें फ्रंट में, तो यहाँ पर अपने को बीच के अंदर सेंटर के अंदर अपने को दिया गया है क्रोम का पार्ट। यहाँ पर इंडिकेटर, ये एयर के लिए, ये नंबर प्लेट के लिए, और एक यहाँ पर अपने को इसका क्रोम दिया गया है। मेटल बॉडी के साथ में ये रहने वाला है इसका फ्रंट बम्पर। उसी के साथ साथ बात करें तो यहाँ पर FI की ब्रांडिंग मिल जाती है, और साइड के अंदर अपने को बिल्कुल फ्लैट मिल जाता है। यहाँ पर अपने को प्लेजर प्लस एक्सट्रैक की ब्रांडिंग मिल जाती है, ये अपना क्रोम के अंदर बिल्कुल अलग से पार्ट दिया गया है। रियर की बात करेंगे तो रियर के अंदर भी अपने को एक रेस्ट के लिए गार्ड मिल जाता है, जो कि अपने को क्रोम के अंदर दिया गया है। इसके ऊपर अपने को कुशनिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा बात करेंगे इस साइड में, तो इसमें भी वही सेम अपने को मिल जाती है। उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो कुछ इस प्रकार का अपने को सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसके अंदर फ्यूल, अपना ऑडोमीटर, और बात करेंगे तो यहाँ पर अपने को जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, जैसे अपना नेटवर्क हो गया, मैसेज, कॉलिंग, और बैटरी कितनी क्या चार्ज है फोन की, तो वो चीजें यहाँ पर शो कर देती है। बाकी ये अपना साइड स्टैंड के लिए लो फ्यूल इंडिकेटर, उसी के साथ साथ में ये अपना इंडिकेटर के लिए, ये अपना हो गया इंजन लाइट, और बाकी अपने पासिंग स्विच वगैरह के लिए दिए गए हैं, ये पासिंग स्विच के लिए है, और ये अपना IPS के लिए दिया गया है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, तो ये अपना स्पीडोमीटर हो गया, तो काफी यूनिक सा इसको बनाया गया है। यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट सी अलग से लगाई गई है, यहाँ पर भी अपने क्रोम के अंदर मिल जाती है। बात करेंगे स्विचेस की, तो हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, I3S और सेल्फ। उसी के साथ साथ बात करेंगे जो आज के टाइम में काफी यूज वाली चीज है, वो है इसका चार्जर, तो यहाँ पर अपने को चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। बात करते हैं की तो कुछ इस प्रकार की अपने को देखने में मिलती है। ऑन ऑफ और स्टीयरिंग लॉक का ऑप्शन इसमें दिया गया है, बाकी यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस अपने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ में यहाँ पर भी कुछ अपने को हुक मिल जाते हैं टांगने के लिए, कैरी करने के लिए। बात करें सीट की, तो पहले तो मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ कि सीट के अंदर अपने को क्या कुछ मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार की सीट मिलती है, जिसके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स और टूल बॉक्स मिल जाते हैं। ये नीचे अपने कोई सर्विस वगैरह के लिए, यहाँ पर अपना छोटा मोटा कोई पेपर रखने के लिए, ये अपने लाइट जो यहाँ से ऑन ऑफ हो जाती है, और ये अपना फ्यूल टैंक जो कि लगभग 5 लीटर का रहता है। लेते हैं इसके फ्रंट एंड रियर टायर सस्पेंशन और ब्रेकिंग की, तो इसके अंदर SBT ब्रेकिंग सिस्टम आता है। बात करेंगे टायर की, तो 90/100R10 का अपने को टायर मिल जाता है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन इसके अंदर मिलते हैं। तो बात करें इसके ब्रेकिंग की, तो इसके अंदर अपने को 130mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अपना रिफ्लेक्टर दिया गया है। उसके बाद में बात करें तो ये अपना दिया गया है MRF का टायर रियर के अंदर, जो कि सेम प्रोफाइल का दिया गया है 90/100R10 का। इसके अंदर भी अपने को 110mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। उसी के साथ साथ व्हाइट कलर की ग्राफिक इसके अंदर दिए गए हैं, जो कि काफी कूल बनाते हैं स्कूटर वगैरह देख लो या बाइक वगैरह को। इसके बाद में बात करते हैं इसके इंजन की, इसके अंदर अपने को 110cc का BS6 इंजन मिल जाता है, जो कि 8 BHP की पावर अपने को दे देता है। उसी के साथ साथ 8.7 NM का टॉर्क देता है। बात करेंगे माइलेज की, तो लगभग 50 तक का ये माइलेज अपने को निकाल के दे देता है।
मिलती है। उसी के साथ साथ सीवीटी गियर बॉक्स इसके अंदर अपने को मिलता है और एयर कूल्ड इंजन अपना ये रहने वाला है। उसी के साथ साथ बात करेंगे तो रिजर्व की कैपेसिटी की, तो 1.2 लीटर की इसकी रिजर्व कैपेसिटी रहती है। IBS ब्रेकिंग सिस्टम के साथ में ये गाड़ी अपने को मिलने वाली है। ट्यूबलेस इसके अपने को टायर मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ बात करें कर्ब वेट की, तो इसके अंदर अपने को 104 केजी का कर्ब वेट मिल जाता है, 750 mm सीट हाइट मिल जाता है, उसी के साथ साथ 155 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाता है। और बात करेंगे ओवरऑल विड्थ की, तो वो अपने को 704 mm मिल जाती है। 5 साल या 50,000 किलोमीटर तक की इसमें अपने को वारंटी मिल जाती है। इसके बाद में मैं एक बार आपको सीट और दिखाता हूँ। ड्यूअल लेदर के साथ में अपने को सीट मिल जाती है। उसी के साथ साथ एक बार मैं आपको गाड़ी ऑन करके दिखाता हूँ इसकी हेडलाइट वगैरह। साइड स्टैंड लगा रहने पे ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। उसी के बाद में मैं एक बार इसकी हेडलाइट आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार की अपनी हेडलाइट इसकी रहने वाली है। ये इसका लो बीम जिसके अंदर अपने दो प्रोजेक्टर जलेंगे, उसी के साथ साथ ये इसका हाई बीम रहने वाला है। एक बार साउंड वगैरह भी मैं आपको सुना देता हूँ। साथ साथ बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की, तो काफी कम इसकी प्राइसिंग अपने को रहने वाली है। प्राइसिंग की मैं बात करूँ एक्स शोरूम, तो इसकी 70,000 रुपए के समथिंग एक्स शोरूम प्राइस रहने वाली है जिसके LX वेरिएंट की। उसी के साथ साथ एक इसके अंदर अपने को VX वेरिएंट भी मिल जाता है। तो ये हमारी आपको जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।